हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको 44 साइज की कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिए लेस डिज़ाइनिंग के लिए, और ये कपड़ा लिया है 2.25 मीटर, रियोन का फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसे नॉर्मल जैसे कुर्ती कट करते हैं वैसे ही हम कपड़े को बिछा लेंगे। प्रिंट के अकॉर्डिंग जैसे हमारा प्रिंट जा रहा हो वैसे हम फोल्ड करके बिछाएंगे। ये मैंने कपड़े को उल्टा करके बिछा दिया 4 फोल्ड में। जितनी हमारे चेस्ट है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने फोल्ड किया है, तो इसको 4th पार्ट 11 आएगा ना, तो इसे मैंने इसमें 2 इंच प्लस करके ये फोल्ड किया है। ये मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है, ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। सबसे पहले अपनी कुर्ती की लेंथ का निशान लगाएंगे, तो मैं यहाँ पूरा कपड़ा ले रही हूँ लेंथ में। ये 44-45 आ रहा पूरा, मैं 44-5 ले लूँगी पूरा इसमें लेंथ में। सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे। यहाँ मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी क्रॉस बैक का। ये कुर्ती 44 साइज़ की है, इसलिए मैं इसमें आर्म होल 6.5 रखूँगी। जिसकी चेस्ट हैवी हो उसमें हम आर्म होल कम रखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से ये चेस्ट का बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ से कम रखना चाहिए आर्म होल। हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 44 है, उसका 4th पार्ट 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा। हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे, प्लस 2 इंच मार्जिन। अब हम कमर का माप लगाएंगे, तो यहाँ से मैं ऊपर से 15 इंच ले रही हूँ कमर के निशान के लिए। यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 40 है, 4 से डिवाइड करने पे 10 आएगा, 10 इंच पर निशान लगाएंगे, प्लस 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ से 7 इंच लेंगे हम हिप का निशान लगाने के लिए। हिप का निशान लगाएंगे हम, यहाँ पर हमारी हिप है 46, 4 से डिवाइड करने पर 11.5 आएगा, तो हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच मार्जिन का। अब जितना हमारा हिप का यहाँ से लेकर यहाँ आया है उतना हम पल्ले में नीचे निशान लगाएंगे। तो हम निशान यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से हम देख लेंगे जितना भी है। 13.5 आ रहा, 13.5 हम नीचे भी लगाएंगे यहाँ। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे हम। निशान को निशान से मिला दिया, अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे, गोलाई कर देंगे इसके राउंड शेप में। यहाँ से 1/2 इंच लेंगे हम अंदर की आर्म होल के लिए। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल और ये बैक का। ये 44 साइज की कुर्ती है, इसे यहाँ पे हम टक्स डालेंगे इसमें। तो हम यहाँ से आर्म होल से कोने से ले लेंगे। हाफ हाफ इंच लेके तिरछा करके मिला देंगे इसमें और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर बचे हुए फैब्रिक को मैंने स्लीव कटिंग के लिए 4 फोल्ड में बिछा लिया है। यहाँ पर मुझे स्लीव्स की लेंथ 18 चाहिए, लेकिन लेंथ कम पड़ रही है, मैं यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी। तो हम जितना हमारा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे, तो कटिंग करने के बाद हम जॉइंट लगाएंगे इसमें। स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर मैं 12 इंच रखूँगी, ये 12 इंच है। यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे पौने तीन लगाएंगे और इसी गोलाई कर लेंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने बचे हुए कपड़े का लिया है, ये डबल है। मैं यहाँ पर ट्यूलिप वाला डिज़ाइन बनाऊंगी ओवरलैप का,
ये मैंने 4 इंच चौड़ी ले ली है, लंबाई जितनी है इसकी है इतनी इसकी भी है, और यहाँ से राउंड शेप दे दूँगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर ली है, टोटल 4 पीस है ये। तो हम पहले कुर्ती की स्टिच करते हैं, पहले गला बनाएंगे कुर्ती का नेक। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पे नेक बनाएंगे इसके, तो मैं इस पर योक नेक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है, 15.5x8.5 का है ये, और नेक ड्रॉ कर लिया है। इसे हम उल्टे साइड रखेंगे कुर्ती के उल्टे साइड। आप चाहो तो इसमें फ्यूजिंग पेपर भी लगा, कैनवास पेपर भी लगा सकते हैं, मैं बिना इसकी बना रही हूँ। इसके सेंटर में रखेंगे और सिलाई कर देंगे गले की। इसे हम इस टाइप से रखेंगे इस पर, सेंटर से सेंटर मिला के, और सिलाई करके हम कटिंग करके पलट देंगे सीधे साइड को। अपने गले की कटिंग कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। कोने पे कट लगा देंगे छोटे छोटे। इसे पलट देंगे हम। इस पर प्रेस कर लेंगे हम। तो मैंने प्रेस कर लिया है, अब हम इस पर लेस लगा देंगे ये वाली। इसके चारों कोनों पे लेस लगा देंगे ऐसे। सबसे पहले हम सेंटर में लगाएंगे, उसके बाद चारों कोने में लगाएंगे। नेक का पैटर्न कुछ इस टाइप से होगा, तो हम इसकी सिलाई कर लेते हैं लेस लगा के। गाइस हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया, नेक भी बन गया, इसे नीचे पल्ला भी बना दिया है। हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे, उसमें नेक बनाएंगे। सबसे पहले इसे हटा देंगे। बैक पार्ट में सबसे पहले हम नेक कट करेंगे। नेक की लंबाई में 8 इंच लूँगी और चौड़ाई 3 इंच। इसकी गोलाई कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी, इसमें कट कर लूंगी। तो मैंने ये कट कर ली है इसे ऐसे बारीक, और इस पर मैं लगाऊंगी ये। तो मैं ये वाली इस साइड से कट करूंगी, इस साइड किनारे रहने दूंगी और इस साइड से कट कर देंगे। मुझे जितनी इसमें लेस की ज़रूरत थी उतनी कट कर लिया, किनारे इतना छोड़ दिया है। इस साइड से हम गले को अटैच करेंगे, तो मैं इसे उल्टे साइड से रखूँगी इस टाइप से। इसकी सिलाई करके हम सीधे साइड को पलट देंगे।
हमारा फ्रंट और बैक का दोनों का नेक रेडी हुए। अब हम इसके शोल्डर स्टिच कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं वैसे इसके शोल्डर स्टिच करने हैं। इसके शोल्डर स्टिच कर दिए मैंने। अब इसके हम टक्स डाल देंगे आर्म होल के, तो मैं ऐसे तेज से पकड़ के इसमें टक्स डालेंगे। मैंने इसमें टक्स डाल दिया है, ये देख सकते हैं। हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। हम इसकी फिटिंग कर देंगे दोनों साइड से। हमारी कुर्ती की फिटिंग हो गई है। इसके पल्ले भी साइड से फोल्ड कर दिए और नीचे के। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे, जिसे साइड में रख देंगे हम। स्लीव्स के लिए पहले अपने डिज़ाइन में इसमें लेस लगाएंगे किनारे पर इसके। तो मैं ये लेस लगाऊंगी इस पर, ये कट करके रखी है मैंने, ये वाली। इसी किनारे पे लगाएंगे हम इसमें, और इसमें दोनों पीस में लगा देंगे दोनों साइड। लेस को कुछ इस टाइप से लगाएंगे, इसे सीधा रखेंगे और इसे सीधा रखेंगे, और इसे किनारे किनारे लगाते जाएंगे हम इस टाइप से। फिर ये पलट के सीधे साइड को आ जाएगी इस टाइप से। तो पहले हम इसे जॉइंट कर देते हैं दोनों पीसेस में। मैंने स्लीव्स में लेस लगा ली है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो हमारा जितना आर्म होल हम उसका निशान लगा देंगे, उसका हाफ, और यहाँ पे हमारी जितनी स्लीव की गोलाई आती होगी उतना हम निशान लगा देंगे इस पर। मैंने यहाँ स्लीव की गोलाई 6.25 इंच ली है, और आर्म होल भी मेरा 9.5 आ रहा है यहाँ पर। तो इसकी सिलाई कर देंगे हम। स्लीव की सिलाई कर ली है इसे, अब इसे सीधा कर लेंगे हम, और उसमें कुर्ती में हम अटैच कर देंगे इसे। अब हम इसमें अटैच कर देंगे स्लीव को, जैसे नॉर्मली हम स्लीव अटैच करते हैं वैसे ही अटैच कर लेंगे। इसकी 1/2 इंच की दूरी पे हम गुलाई पूरी सिलाई लगा देंगे इस पर। मैंने इस पर स्लीव्स अटैच कर ली। इस तरह से हमारी कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हुई।